हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि यूट्यूब ऐड कैसे बंद करूँ, वो भी बिना प्रीमियम दिए। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप मान लीजिए आप कोई भी वीडियो देखते हैं पढ़ाई के संबंध से या किसी भी तरीके से आप वीडियो देखते हैं तो आपको ऐड आता है, और आपको जब ऐड आता है तो आपको बुरा लगता है क्योंकि ऐड की आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सीधे आपकी पॉइंट की बात होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको ऐड मिल जाता है, 2-3 ऐड मिल जाता है। तो उसी को बंद कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो आइए, आपका ज़्यादा समय ना ले तो ये सीधे चलते हैं पॉइंट पे। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चलने के बाद आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यूट्यूब पे चल के कि क्या ऐड आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो YouTube पे चलता हूँ। YouTube पे चलने के बाद आपको करना क्या है, कोई भी एक वीडियो मैं चला के आपको दिखा देता हूँ कि क्या ऐड आ रहा है या नहीं। जैसे देखिए 684 के व्यूज़ है एक मंथ पहले, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ऐड आना शुरू हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड आ रहा है। अब इसको हम बंद करके आपको आप ही के सामने मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से इस ऐड को मैं बंद करूँ। ठीक है, तो यहाँ से सीधे कट करता हूँ। कट करने के बाद आपको करना क्या होगा, जैसे कि सेटिंग पे चलने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ एक गूगल का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाने के बाद आपको देखिए यहाँ दिख रहा है ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी यहाँ इस तरह का दिख रहा है, तो इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पर क्लिक कर देना है, इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा सेटिंग जो करना है लर्न मोर पे क्लिक करना है। लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद आपको क्रोम पे चले जाना है। क्रोम पे चले जाने के बाद आपको थोड़ा समय वेट करना है। वेट करने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहां से 3 लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां से माय एड सेंटर पे क्लिक करना है। माय एड सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए पर्सनलाइज्ड एड यहां देखिए ऑन है, मेरा ऑन है, तो इसे ऑफ कर लेंगे तो आपका एड नहीं आएगा। यदि आपका ऑफ है ऑलरेडी से तो उसे ऑन करके फिर ऑफ करें, तब जाके आपका ऐड बंद होगा। तो मेरा ऑलरेडी ऑन है तो मैं ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से टर्न ऑफ कर देता हूँ। टर्न ऑफ करने के बाद यहाँ से गो इट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको इतना सेटिंग कर लेना है। इतना सेटिंग जब कर लेंगे तो आपका ऐड नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं चलता हूँ, सीधे कट करता हूँ। देखिए ये सेटिंग करने के बाद जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको कोई भी एक वीडियो जब चलाएंगे तो उसमें ऐड आएगा, लेकिन उसके बाद आप जितने वीडियो चलाएंगे उसमें ऐड नहीं आएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको, यहां से YouTube पे ओपन किया। ओपन करने के बाद क्या ऐड बंद हुआ या नहीं, ये देखिए 15,007,000 हुआ है। ठीक है, यहां क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद देखिए एक ऐड आ गया। ठीक है, ऐड आया है। जब ये पूरा ऐड चल जाएगा उसके बाद आप स्किप कर देंगे। इसके बाद आप कोई भी वीडियो आप चलाएंगे तो ऐड नहीं आएगा। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए 792K 4 डे में हुआ है। इसको क्लिक करता हूँ, इस पर ऐड नहीं आएगा। देखिए आपके सामने है जो ऐड नहीं आ रहा। मैं एक दो और वीडियो दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए राउंड टू हेल, इसे ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए कोई ऐड नहीं आ रहा है। तो इस तरह आप आसानी से अपना ऐड बंद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।